भिवंडी के आजमी नगर की ओर रुख करते हैं, जहां पर जश्न ईद मिलादुन नबी के पावन पर्व पर यानी कि विश्व शांति दिवस के अवसर पर टीपू सुल्तान ग्रुप के माध्यम से विभिन्न तरीकों की झांकियों का निर्माण किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दराब के लोग यहां पर आया करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते विशेष तौर पर आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोग लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरकर एक जुलूस निकालते थे, लेकिन महामारी का संकट और इस जुलूस को रद्द करने का कारण देखना पड़ा। हम आपको बता दें कि वहीं पर टीपू सुल्तान ग्रुप के माध्यम से पिछले 10 वर्षों से ये झांकियों का निर्माण किया जाता है, जहां पर हंडी कंपाउंड, हाफिज नगर, आजमी नगर व आसपास के जो सलम एरिया के लोग हैं इसे देखने के लिए ताता लगाया करते थे। लेकिन इस बार कोरोना के चलते काफ़ी हद तक कम लोग वहाँ पर दिखाई दिए। लेकिन हम आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के युवा जो बच्चे हैं वो अपनी कड़ी मेहनत और कड़ी लगन से इस तरह की झांकियों का निर्माण करते हैं, जो वाकई कितनी खूबसूरती से बनाया गया है आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कई मस्जिदों का रंग बिरंगी लाइटियों से काबा शरीफ, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, आप साथ ही साथ देख सकते हैं कि मुंबई के हाजी अली का झांकियाँ बनाई गई है। ऐसे में हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको जो दृश्य दर्शा रहे हैं, जब हमारे चैनल की टीम ने टीपू सुल्तान ग्रुप के बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने अपने वक्तव्य में वहां के स्थानीय नगर सेवक वसीम अंसारी की प्रशंसा की। क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे। वहीं साथ ही साथ हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए वसीम अंसारी ने क्या कहा, देखिए इस विशेष खबर में। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारे टीपू सुल्तान कमेटी के बच्चे और हमारे वसीम भाई, जब तक अल्लाह ने हमको ज़िंदगी दे गए जब तक हम बनाते रहेंगे और हमारे वसीम भाई का सपोर्ट रहेगा, इंशाल्लाह अगले पारी इससे बड़ा प्रोग्राम हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आलम इस्लाम को, आज अमन का दिन है, आज हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है और दुनिया में उन्होंने अमन का पैगाम भी दिया है। हर साल मैं समझता हूँ तकरीबन आज ये 10 साल से ये बच्चे जो हैं टीपू सुल्तान कमेटी की तरफ से यहाँ के जितने नौजवान बच्चे जो हैं ये प्रोग्राम करते हैं, मक्का मदीना का कभी वो बनाते हैं, कभी मदीना शरीफ का बनाते हैं, अभी आस्थाना हाजी अली शाह बुखारी का आस्थाना बनाए हैं और बच्चों के लिए भी यहाँ पर जो भी इंटरटेनमेंट का सामान ये लोग लाके जमा करते हैं, फ्री में सब काम करते हैं ये लोग, सब मोहल्ले के लोगों को जो भी गाइडलाइन रहती है। अभी कोरोना का वो था इसलिए बहुत ज़्यादा गर्दी भी नहीं वो करने दिए बच्चे लोगों ने और ज्यादातर लोगों को सैनिटाइजर मास्क के साथ ही आने की इजाजत थी। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। लॉट शूज एंड बैग पेश करते हैं अपना नया कलेक्शन, जिसमें आपको मिलेंगे सैंडल्स, शूज, बैग्स, हैंडबैग्स और फैंसी में है हाई हील शूज, डेली वेयर, ऑफिस वेयर कलेक्शन, और आपको मिलेगा डिस्काउंट अप टू 50%। तो आज ही आइए और इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाइए, क्योंकि लॉर्ड्स हैं सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। एड्रेस: नियर भिवंडी टॉकीज, कसर अली, भिवंडी।